जय श्री सच्चिदानंद, प्रेमी साधको, प्रेमी साधको, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम जप निरंतर चल रहा है या नहीं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी चाहते हैं कि उनका नाम जप, भजन, ध्यान निरंतरता से चले और वह परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। तो देखिए, सबसे बड़ा जो संकेत है वो हम आज आपको बताएंगे। आप चाहे कितने ही दिन से नाम जपते आ रहे हो, चाहे कितने ही दिन, साल, महीने हो गए हैं, अगर आप में यह गुण नहीं आया है तो समझ लेना आपका नाम जप निरंतर नहीं चल रहा है। जो परमात्मा के शरण हो जाता है, जो साधक जो निरंतरता से उसकी भक्ति करता है, नाम जप करता है, तो ऐसे साधक के अंदर यह गुण निश्चित आता है। और गुण ये है कि यदि कोई उसको भय रहता है ना, तो सिर्फ एक ही बात का भय रहता है, कोई भय नहीं है उसके मन में, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन फिकर नहीं है, बस उसे एक ही भय निरंतर रहता है कि उसके चित्त से प्रियतम परमात्मा की विस्मृति ना हो जाए, अर्थात कि वह भक्त परमात्मा के नाम को एक पल के लिए भी भूल ना जाए, ऐसा भय निरंतर उस भक्त में रहता है। यदि आपके अंदर भी यह भय रहता है हर पल हर समय कि परमात्मा का नाम मैं भूल ना जाऊं, तो निश्चित तौर से आपका नाम जप निरंतर हो रहा है, निरंतर चिंतन कर रहे हैं आप। वास्तव में वह कभी परमात्मा को भूल भी नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के चिंतन का वियोग उससे क्षण मात्र के लिए भी सहा नहीं जाता। नारद भक्ति सूत्र में ये लिखा हुआ है, संपूर्ण कर्म परमात्मा के अर्पण करके प्रतिपल उसे स्मरण रखना और क्षण भर की विस्मृति में मणिहीन सर्प या जल से निकाली हुई मछली की भांति परम व्याकुल होकर तड़पने लगना उसका स्वभाव बन जाता है। उसकी दृष्टि में एकमात्र परमात्मा ही उसका परम जीवन, परम धन, परम आश्रय, परम गति और परम लक्ष्य रह जाता है। प्रतिपल उसके नाम गुणों का चिंतन करना, उसके प्रेम में ही तन्मय होकर रहना, बाह्य ज्ञान भूलकर उन्मत्त हो जाना, परम उल्लास से प्रेम में झूमना, यही उसकी जीवनचर्या बन जाती है। श्रीमद् भागवत के अध्याय 11 में लिखा हुआ है कि वे भक्तगण कभी उन अच्युत का चिंतन करते हुए रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आनंदित होते हैं, कभी अलौकिक कथा कहने लगते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी उन अजन्मा प्रभु की लीलाओं का अनुकरण करते हैं और कभी परमानंद को पाकर शांत और चुप रहते हैं। इस प्रकार परमात्मा के क्षण का तत्व जानकर वे भक्त भगवान में ही हो जाते हैं, भगवान को पा लेते हैं। तो यदि आपको भी ये निरंतर भय सताता है कि हे भगवान, कहीं मैं आपका नाम न भूल जाऊं, और कभी भूल गए तो आप अपने आप को कोसते हो और आपको अपने आप पर क्रोध आता है, आप अपने आपके ऊपर पछतावा करते हैं, तो निश्चित तौर से आप उसके बहुत बहुत ही करीब पहुंच चुके हो। कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा। जय श्री सच्चिदानंद।